मलाला यूसुफजई ने अभी फ़िलहाल एक अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, वहाँ पे लड़कियों को स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने यूएन में गुहार लगाई है कि यूएन जो है वो भारत में आके इस मामले में इंटरवेन करे, वो वहाँ की जो कश्मीरी हैं उनकी आवाज़ बने, उनको थोड़ी मतलब इट्स मीन कि आज़ादी दिलाए उनको, ये बात वो बोल रही है। अभी एक ट्वीट में आया, ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक लड़की जो है वो 12 अगस्त को अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाई क्योंकि 5 अगस्त को एब्रोगेट कर दिया गया था आर्टिकल 370, और उसके बाद जो था वो 12 अगस्त को जा नहीं पाई क्योंकि हर जगह कर्फ्यू था, पुलिस वाले खड़े थे, फौज खड़ी थी, उस वजह से वो जा नहीं पाई। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिमाग में आई, मैं सोचा क्यों ना वो डिस्कस कर लूँ। पहली चीज़, 12 अगस्त को बकरा ईद थी, 12 अगस्त को कब से फिर बकरा ईद के दिन तो छुट्टी होती है, उस दिन कहाँ से एग्ज़ाम आ गया। सेकंड चीज़, सोच करो कि 12 अगस्त को एग्ज़ाम भी है तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि भी कश्मीर में कर्फ्यू चल रहा है, कश्मीर को बंद कर दिया गया है एक तरीके से, वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम लॉकडाउन हो चुका है, तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि अभी फिलहाल के लिए एग्ज़ाम रद्द करा दें। अरे जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकती है, पोस्टपोन कर देती है, या फिर कुछ और इमरजेंसी हो जाती है तब भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है, या किसी और स्पेशल कंडीशन में किसी बच्चे का एग्ज़ाम बाद में भी लिया जा सकता है, और ऐसा लिया जाता है, ऐसा बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं देश में। तो ये कौन सी चीज़ होती है 12 अगस्त को मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई क्योंकि मुझे एक राइटर बनना था, ये मैं शायद मुझे लगता है मैं राइटर नहीं बन पाऊंगी, ऐसा कमेंट उन्होंने वहाँ पे किया एक लड़की को लेके। उन्होंने कहा इसके रेफरेंस में मैं कमेंट कर देती हूँ, तो उन्होंने ऐसा कमेंट वहाँ पे कर दिया। सिंपल सी चीज़, बकरा ईद होने के कारण वहाँ छुट्टी थी तो शायद उनको चेक करना चाहिए था, 12 अगस्त की जगह शायद वो 13 अगस्त कर देती तो शायद थोड़ा अप्रोप्रिएट ये ट्वीट लगता हमें। फिर दूसरी चीज़, मलाला जी अपने देश पर ध्यान दो, आपके देश में क्या हो रहा है, वहाँ की माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या क्या किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती पकड़ के उनका धर्म कन्वर्ट करा दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट बोल रही है, ठीक है, ये कह रहे हैं हिंदू वुमेन को ज़बरदस्ती उनका रूटीनली कन्वर्ट करा दिया जा रहा है इस्लाम के अंदर, ये रूरल सिंध के में हो रहा है। एक आयशा बीबी का एक केस हुआ था जो एक क्रिश्चियन वुमेन थी, उनको 8 साल लगातार उस केस में झुलसना पड़ा जो उन्होंने किया भी नहीं था, उनके ऊपर एक चार लगातार धर्म को लेके उसके लिए, तब या मलाला जी तो कोई आवाज़ बन के बोली ही नहीं, कहीं कोई ट्वीट पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई एग्जाम कोई मैंने ऐसा न्यूज़पेपर तब नहीं पढ़ा तब उन्होंने कहा हो कि भाई हाँ ये आयशा बीबी का केस ऐसा, कुछ भी तब नहीं बोला। और 2014 के अंदर एक क्रिश्चियन कपल को पकड़ के जब उनको जिंदा आग लगा दी जाती है 60 किलोमीटर दूर लाहौर से कसूर के अंदर, ये हो गया। और हाल फिलहाल में एक नया उदाहरण, एक सिख लड़की का अगवा करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया जाता है, इसके ऊपर मलाला जी कुछ नहीं बोलती हैं, तब यहाँ पे इनकी आवाज़ कहाँ चली जाती है, तब तो इनको ट्वीट करना चाहिए, तब तो इनको वॉइस उठानी चाहिए, तब बोलना चाहिए। और अपना लिटरेसी रेट चेक कर लेना पाकिस्तान में कितना चल रहा है, 5% वहाँ पे लड़कियों की 15 साल से पहले उनकी शादी करवा दी जाती है, तब तो मलाला जी कुछ नहीं बोलती हैं। अब पहले अपने देश को देखो, पहले उसे ठीक करो, उसे जब ठीक कर जाओगे तब दूसरे देश के ऊपर ध्यान देना कि हाँ इस देश में ये प्रॉब्लम है, अब तब तक मत बोलो। और दूसरी चीज़, ये भारत का इंटरनल मैटर है, वो खुद इसको सुलझा लेगा, किसके एग्ज़ाम नहीं हुए क्या नहीं हुए वो बाद में देख लेंगे, वो देखा जाएगा, उस गवर्नमेंट देख भी रही है और बहुत चीज़ें सुधार भी रही है। अभी फ़िलहाल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है उनके राशन प्रोवाइड कर रही है, उनके घर पे LPG जो है वो प्रोवाइड करवा रही है, उनके घर के आ गई, तो गवर्नमेंट अपने एफर्ट लगा रही है वहाँ पे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वैसे भी स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं, उनको जाने को दिया जा रहा है, अब वैसे ही अटेंडेंस लो चल रही है तो वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में इंक्रीज हो जाएगी, और किसी की भी कोई पढ़ाई खराब नहीं होने वाली। एक एग्ज़ाम से किसी का राइटर बन जाना ये छूट नहीं जाएगा कि ये लिख देना कि मेरा एक एग्ज़ाम जो था वो छूट गया 12 अगस्त को, और जिस दिन छुट्टी थी उस दिन मतलब एग्ज़ाम होना था, शायद मलाला जी उस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देती तो उन्होंने लिखा कि 12 अगस्त जिस दिन छुट्टी थी उस दिन एग्ज़ाम होना था, और उस एग्ज़ाम को वो लड़की दे नहीं पाई जिसके कारण उनका जो सपना है राइटर बनने का वो छूट गया। तो एक एग्ज़ाम से कहीं कोई सपना नहीं छूट जाता, तो ऐसे इनअप्रोप्रिएट जो ट्वीट है वो करना बंद करो, ये फालतू में पब्लिसिटी बटोरना कहाँ तक
अच्छा लगता है एक नोबल प्राइज विनर को। मैंने ये न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा इनका ट्वीट, और जब मैंने ट्विटर पे भी इनको इनके देखा, और तो लगा यार कुछ ना कुछ तो बनानी चाहिए ना, एक वीडियो तो बनती है इनके इस ट्वीट के ऊपर। वो जब ट्वीट कर देती है तो मैं एक वीडियो भी तो बना सकता हूँ ना। तो उनके आंसर, उनके ट्वीट के लिए एक रिप्लाई समझ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।